हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं आपका साथी अजय वेलकम करता हूँ 7 मिनट के इस चैनल पे। तो गाइज, आप सब लोगों को बता देता हूँ, हम 7 मिनट में बेहतर कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ पाओ 7 मिनट में अच्छी अच्छी चीजें। तो देख लीजिए गाइज, 7 मिनट में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले 7 मिनट चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरा, अनअकैडमी पे अगर आप कोई भी एडमिशन लेना चाह रहे हो, चाहे वो SSC कैटेगरी में हो, बैंकिंग में, UPSC, PCS, डिफेंस, कोई भी कैटेगरी में, तो आप ये वाला रेफरल कोड लगा दीजिएगा, इसे 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। चलो गाइस, शुरुआत करते हैं, आगे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगर आप अनअकैडमी पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया हो, तो आप मुझे फॉलो कर लेना भाई, ठीक है ना। फॉलो करोगे, आपके पास में यहाँ पे फ्री क्लासेज मिलती है आपको देखने के लिए, तो ये सारी की सारी क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप फॉलो कर लेना गाइस। आगे बढ़िए, इस बात पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा आता हूँ चैप्टर पे। गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस की मैं कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे वो आप लोगों को पता चले। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन आपके पास में कि एक आदमी कुछ नंबर ऑफ ऑरेंज बाई करता है, कितने से, 11 ऑरेंज करता है 1 रुपीज में, ठीक है ना। हाउ मेनी रुपीज डिड ही सेल गेन 10% प्रॉफिट। भाई आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपके पास में 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, खरीदने का मतलब सीपी होता है, और 1 रुपए में वो कितने बेचे कि 10% का लाभ हो जाए, तो SP होता है। खरीदेगा वो हमेशा 100 रुपए में और बेचेगा वो आपके पास में 110 में। तो ध्यान रखना, यहां पे आप एक संतरे की वैल्यू निकाल लो, यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, एक संतरे की वैल्यू निकाल लोगे, तो भाई 11 संतरे 1 रुपए में, और एक संतरा कितने रुपए में, 1/11 रुपए में। अब 1/11 लिखने के बाद में आप ऊपर लिखोगे जो चीज फाइंड आउट करनी है और नीचे लिखोगे जो चीज गिवन है। तो गिवन आपको सीपी दे रखा था खरीदा, और फाइंड आउट आपको करना है SP, तो 100 रुपए। तो ये हो गया इससे खत्म, ये हो गया इससे खत्म, तो 1/10, तो 1 रुपए में 10, ऑप्शन नंबर ए पहला तरीका। तो ये आगे पीछे करके देख सकते हो, 7 मिनट में इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसे दोबारा बता पाऊं, ठीक है ना। और आप मेरी लाइव क्लास, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो आप दूसरे चैनल पे आ सकते हो, और भी चैनल पे, ठीक है ना। दूसरा तरीका, भाई 10% का लाभ हो गया, भाई 10% लाभ होने का मतलब वस्तु कितने में खरीदी थी आपने, 1/10 में, भाई 10% लाभ का मतलब 1/10, तो वस्तु आपने 10 में खरीदी और 11 में बेच दी, ये प्राइस होगी। आर्टिकल हमेशा इसके उल्टे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न में प्राइस और आर्टिकल हमेशा क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो क्या हो गया, 11/10। अब ध्यान रहे कि आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये इस बात का अच्छे से ख्याल रख लो। स्टार्टिंग में आपने 1 रुपए बोला था और लास्ट में भी आपने 1 रुपए बोला था, 1 रुपए में 11 और 1 रुपए में 10, भाई 1 रुपए में 11 बिल्कुल 11 ही थी, तो 1 रुपए में 10 ऑप्शन। दूसरा तरीका ये, चलो इस वाले को कर लो, भाई 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता, खरीदने का मतलब 100 में खरीदेगा, बेच रहा है 25% लाभ मतलब 125, तो कितना हो गया आपके पास में, भाई 25 संतरे सेव 1 रुपए में, एक सेव 1/25, ठीक है। अब आपके पास में दिया हुआ क्या, 100 रुपए, दिया हुआ वस्तु नीचे लिखोगे और फाइंड आउट करना 125, तो ये कट गया इससे कितने बार, 5 बार, ये इससे कट गया 20 बार, तो कितना हो गया, 1/20, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे और चल लेते हैं हम लोग 3 नंबर का, आप इसे खुद से कर सकते हो, या फिर आप बोल दो 40% की हानि मतलब 60 में, 20% लाभ मतलब 120 में, तो कितना हो गया, 1 रुपए में 32, 1 रुपए में 32 और इंटू यहां पे कितना हो गया, 120 फाइंड आउट करना है ना, 20% का लाभ मतलब ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, डिवाइड बाई 60, तो ये हो गया 2 बार और ये हो गया 1/16, 1/16, 16 है क्या कहीं, ये रहा। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, 32 संतरों का वैल्यू कितना है, 1 रुपए, तो एक संतरे का मूल्य निकालना 1/32, और यहां पे फाइंड आउट करना है वो लिखोगे, और यहां पे गिवन है वो लिखोगे, बस इतना सा बात है, इस बात का आंसर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो अगले प्रश्न पे, ये वाला प्रश्न कर दीजिए, 1 रुपए में 12, तो रुपए ऊपर लिख दीजिए, संतरा नीचे लिख दीजिए, तो 1 रुपए का वैल्यू, एक संतरे का वैल्यू हो गया, 20% आनी मतलब 80 रुपए दिया हुआ है, 20% लाभ मतलब 100 रुपए पूछ, 120 रुपए पूछा, ये 10 बार कट गया, 1/8, ये हो गया। चलो आगे चल लेता हूं, फाइनल
यहाँ पे देखो 40 रुपए में 45, भाई 45 सेव 40 रुपए में, भाई 45 सेव 40 रुपए में, तो एक सेव 40/45 में। ऊपर फाइंड आउट करना 20% की हानि होती है, तो 20% हानि मतलब 80 दिया हुआ है, और 20% का लाभ कमाना तो 120, तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, ये हो गया 60, 15 चौके 60 और 15 3 45, मतलब 4/3। ऊपर होने कितने चाहिए, 24 होने चाहिए, 24 होने चाहिए, तो ऊपर भाई अभी तक एक एक ही था, इस बार 24 है, तो मैं इसको कितने से गुणा कर दूंगा, 6 से ऊपर नीचे, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 18, तो 24 रुपए में 18 ऑप्शन नहीं है, तो ये कर लीजिएगा, ये लो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 24/18 मतलब 24 रुपए में 18, खत्म। गाइज सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है ना गाइज। तो आप इस बात का ध्यान रखना, 7 मिनट चैनल को, 7 मिनट चैनल को आप लाइक और शेयर कर देना, ये रेफरल कोड लगा देना मेरा AJY10, ठीक है ना, SSC बैंकिंग UPSC PCS डिफेंस, दूसरा आपके पास में ये आप मुझे फॉलो कर लेना भाई, तीसरा कोई एडमिशन लेना चाहो तो आप SSC कैटेगरी में, बैंक कैटेगरी में, यहां से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना गाइज। ओके गाइज, सबसे पहले अब आप लोगों को थैंक यू, लाइक कर देना, शेयर कर देना सेशन को, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट आने वाला प्रॉफिट एंड लॉस को, उसके लिए भी तैयार हो जाइए, जिससे इस चैनल को फॉलो कर लो।